हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो सारे? आई होप हमेशा की तरह एकदम बढ़िया होगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अज्जू भाई जैसे अपने यूट्यूब चैनल पर थंबनेल अपलोड करते हैं, यानी अज्जू भाई जो अपना गेम प्ले अपलोड करते हैं उसमें जो थंबनेल लगाते हैं उस तरीके का प्रोफेशनल थंबनेल आप कैसे बना सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से, यानी एंड्रॉयड फ़ोन की मदद से। तो आप मतलब बना सकते हो इस तरीके का प्रोफेशनल थंबनेल आप बना सकते हो मतलब मोबाइल फ़ोन की मदद से, वो भी बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और आप ये जो पीछे गेम प्ले देख रहे हो ये मेरा ही गेम प्ले है और इसे मैंने अपलोड किया था अपने मतलब गेमिंग चैनल में। तो गेमिंग चैनल पर अभी हमारे सिर्फ 500 सब्सक्राइबर ही हैं, तो जल्दी से उस पर भी सपोर्ट करो, 1K सब्सक्राइबर का माइलस्टोन कंप्लीट करो, फिर उस पर हम टॉय टिप्स एंड ट्रिक और अच्छा अच्छा गेम प्ले ला के और भी देंगे। तो ज़्यादा देरी नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अब अपने मोबाइल स्क्रीन पर बढ़ते हैं जहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ अज्जू भाई जैसा प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बना सकते हो। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन लगेगा जिसका नाम है पिक्सल लैब, इसे ओपन कर लेते हैं और उसे मैं जूम करके दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आपको बिना कहे मतलब लाइक कर लेना है, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लो, और 10K सब्सक्राइबर के थैंक्स दें। और उसके लिए मैं फेस कैम वीडियो कल डालने वाला हूँ। और यहाँ पर हम पहले हम कोई स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमें 16:9 में क्रॉप करना पड़ेगा और कुछ इस साइड से आपको आधा करेक्टर इधर रख के इसे कर लेना है और उसको जूम करके थोड़ा मतलब इसमें लगा देना है अपने हिसाब से। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीनशॉट लगा देना है, और मेरा स्क्रीनशॉट का सैचुरेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, तो अब हम मतलब सैचुरेशन ज़्यादा है अब यहाँ पर हम इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे ताकि हमारा जो थंबनेल है वो बहुत ही ओपी और प्रोफेशनल लगेगा अज्जू भाई की तरह। उसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे कलर फिल्टर्स में, और यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन सेटिंग्स पर जाके कलर फिल्टर्स में सैचुरेशन का आपको 15% के आसपास रखना है, ब्राइटनेस को आपको 15 या 10-20 के आसपास रखना है, जितना आपका मन करे जितना पे आपका अच्छा लगे, और कॉन्ट्रास्ट आपको 10% कर देना है मतलब 10% और ब्राइटनेस को भी 15% कर देना। और यहाँ पर आपका प्रोफेशनल तरीके से मतलब जो स्क्रीनशॉट है वो 20 हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें जो टैक्स लिखेंगे, यहाँ पर हम ह्यू को छेड़ देते हैं, मतलब ह्यू को तो काम ही नहीं है, वो हमने गलती से कर दिया था। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, टैक्स को ऐड करना है, तो टैक्स यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर 2AWM का मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया है, तो यहाँ पर टाइट मैं भी वही लिखूँगा 2AWM डोमिनेटिंग, तो यहाँ पर पहले 2AWM लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम ना इसमें यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट डिजिटल्ट का, जो कि बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं डिजिटल्ट, मतलब ये वाला फ़ॉन्ट आप डाउनलोड कर लेना, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कलर वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पर आपको इसमें कलर देना है, और कलर अज्जू भाई जो यूज़ करते हैं मैं बता देता हूँ, येलो और ग्रीन यूज़ करते हैं वो अपने सारे थंबनेल्स में, क्योंकि जो स्क्रीनशॉट होता है ना उस फ्री फायर जब हम खेलते हैं तो उसमें दो ही कलर ज़्यादा दिखते हैं, एक येलो और एक ग्रीन, तो इसी वजह से उनका जो मतलब टैक्स होता है वो भी इन्हीं दोनों कलर्स का ही होता है। और यहाँ पर इसे हम डुप्लीकेट कर लेंगे, लेकिन मतलब टैक्स को सबसे पहले उसमें एक शेडो देंगे, फिर उसके बाद डुप्लीकेट करेंगे, शेडो ऑप्शन पे एनेबल करेंगे और आउटर ग्लो को भी एनेबल कर देंगे, और ये ब्लर रेडियस को 15 के अराउंड रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा टैक्स होगा इसे हमें डुप्लीकेट कर लेना होता है, और डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर हम जो पेंसिल वाले आइकन पर जाने के बाद इस टैक्स को एडिट कर लेंगे जो भी हमें लिखना होगा, और इतना हमारा हो जाएगा। और आवाज़ आपको थोड़ी सी चेंज लग रही होगी क्योंकि वो थोड़ा सा बुखार हो गया था। अब यहाँ डोमिनेटिंग को है ना, इसमें हमें कलर मतलब ग्रीन येलो या ग्रीन मैंने कोई सा भी रख देना होता है, अगर आप येलो रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ग्रीन रख के भी देख लेना, जो भी आपको प्यारा लगे अच्छा लगे आप वाला यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर ग्रीन रख के देखते हैं कैसा लग रहा है, तो ग्रीन रख के हमने देख लिया, उतना कुछ खास लग नहीं रहा। और यहाँ पर हमें इस तरीके से सेट करके यहाँ पर हम अगर रखने आपको ये कलर मतलब सही लगता है ग्रीन वाला तो साथ में इस तरीके से मर्ज कर देना, और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा हो ये करेक्टर मतलब कलर, हमें आपसे गलती हो गई, गलती से आपको दूसरा कलर रखना, तो यहाँ पर आपको अंडू का एक ऑप्शन मिलेगा कोने में, यहाँ पर उस पर टैप करना और ये दोनों करेक्टर अलग हो जाएंगे, मतलब ये दोनों जो टैग्स है वो अलग हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें दोबारा से कलर मतलब चेंज कर सकते हो, तो बहुत आसान तरीका है। अब यहाँ पर हम इसे कर लेंगे मर्ज, तो अब जो हमारा टैक्स है वो पहले से बहुत ही ओपी लग रहा है, तो इस तरीके से अब यहाँ पर हमें इसे एडजस्ट कर देना है। और यहाँ पर कोई इमोजी लगाने का मन हो तो यहाँ पर आप इमोजी लगा सकते हो, बाकी आप फाइनली हमारा थंबनेल रेडी हो चुका है, अब इसे आपको सेव कर लेना है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों से जरूर से शेयर कर देना, क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा बनाने में मेहनत लगी है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक और ऐसे अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।